Student, today we are going to see our next topic on electric power. And first we understand the term power, then formulate it and use the formula in the various numerical. Okay, let's start. Before going to start, first we understand power. As we study in our 9th class, power is defined as the amount of work done in a unit time or the amount of energy transfer in a unit time. कि जितना हम लोग वर्क करते हैं एक सेकंड में वो पावर के बराबर होगा. आप देख सकते हो अगर टाइम की वैल्यू आप 1 पुट करोगे तो वर्क किसके बराबर है, पावर के. इन द सेम वे जितना आप एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हो या जितना एनर्जी आप कंज्यूम कर रहे हो वो भी एक सेकंड में वो किसके बराबर होगा, पावर के. और हम लोग पावर को किससे मेजर करते हैं, अब एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल, और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड. तो पावर को हम लोग मेजर करते हैं, जनरली मेजर करते हैं वाट में और जूल पर सेकंड में. ओके, ये वो पावर है जो हम लोगों ने पढ़ा था क्लास 9th में. यहां पे जो एनर्जी की बात हो रही है वो किसकी एनर्जी, कौन सी एनर्जी की बात हो रही है, मैकेनिकल एनर्जी की. और यहां पे जो हम बात कर रहे हैं किसी करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी की. ओके, तो इलेक्ट्रिक पावर क्या है, इलेक्ट्रिक पावर को आप कैसे डिफाइन कर रहे हैं पहले देखते हैं. इलेक्ट्रिक पावर, the amount of electrical energy transferred in a unit time. ये फिर इसको आप बोल सकते हो the amount of electric वर्क डन इन अ यूनिट टाइम. इन दोनों का मतलब क्या है कि पावर को हम लोग लिख सकते हैं कि जितना हम लोग एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं यूनिट टाइम में, एक सेकंड में, उसको हम क्या लिखते हैं, पावर लिखते हैं. या फिर जितना हम लोग इलेक्ट्रिक वर्क डन करते हैं एक सेकंड में वो भी किसके बराबर होगा, पावर के. तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ चुका पावर का, पावर का वो सिंपल इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर डिवाइड बाय टोटल टाइम, या फिर आप लिख सकते हो वर्क अपॉन में टोटल टाइम. ओके, अब इलेक्ट्रिकल पावर को भी हम किसमें मेजर करते हैं, वाट में, वाट में, या फिर जूल पर सेकंड में. और याद रखना है आपको पावर कैसी क्वांटिटी है, स्केलर. ओके, अब हमें पता है किसी भी सोर्स में या किसी भी सर्किट के अंदर हमारा जो सोर्स है या इलेक्ट्रिकल सेल या इलेक्ट्रिकल बैटरी, वो सब लोग हमारे क्या है, पावर के सोर्स, वो लोग हमें पावर सप्लाई करते हैं. और जो रजिस्टर होते हैं वो पावर कंज्यूम करते हैं. आपको याद रखनी छोटी सी बात, रजिस्टर पावर कंज्यूम करते हैं, तो एनर्जी कंज्यूम करते हैं, और जो हमारे सेल और जो बैटरी है वो दोनों ही हमारे क्या है, पावर सप्लाई करते हैं, पावर के सोर्स है मतलब. ओके, तो हम लोग पहले क्या देख रहे हैं कि पावर अक्रॉस अ सोर्स, ये लिख सकते हो इसको आप, पावर अक्रॉस अ बैटरी, कि किसी भी बैटरी के क्रॉस पावर को आप कैसे कैलकुलेट करोगे. ठीक है, मान लेते हैं कि आपके पास कोई भी एक बैटरी है, आप सेल भी ले सकते हो, ठीक है, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वी. अब हम लोगों को पता है यहां पे जो बैटरी है वो किसका सोर्स है, एनर्जी का सोर्स है. उसको आप ऐसे समझ सकते हो कि मान लो आपके पास कोई भी कंडक्टर है, उसके साथ आपने कोई भी एक वोल्टेज सोर्स कनेक्ट कर रखा है, मान लो सेल कनेक्ट कर दिया. अब यहां पर सेल का फंक्शन क्या है, सेल क्या करेगा, जो यहां पे जो मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, भाई हमारा क्या हुआ पहले, स्टार्टिंग में जो पॉजिटिव चार्ज है इस सर्किट में मूव कर रहा था और फाइनली वो कहां गया, इस लो पोटेंशियल पे. अब सेल का वर्क क्या है, वो इस पॉजिटिव चार्ज को लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे लेके जाएगा. जैसे हम लोग देखते थे ना अपने ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में, अगर मान लो ये मेरे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है इस हाइट पे, एच वन हाइट पे, अगर इसको इस हाइट पे जाना है एच टू हाइट पे, तो अपने आप तो चला नहीं जाएगा, कि
किसी ना किसी को इसको एनर्जी देनी पड़ेगी ना। इन द सेम वे हम लोग इस पॉजिटिव चार्ज को लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे ले जाने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं विद द हेल्प ऑफ बैटरी। बैटरी क्या कर रहा है, इस पॉजिटिव चार्ज को लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पर लेके जा रहा है। ओके, तो आप ये बात समझ चुके हो कैसे बैटरी एनर्जी प्रोवाइड कर रही है इस पॉजिटिव चार्ज को। ओके, सपोज मान लेते हैं कि आपके पास कोई बैटरी है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है वी, और यहां से मान लो कोई आई करंट फ्लो कर रहा है पॉजिटिव प्लेट से, इसका मतलब वापसी में जाके आपका जो पॉजिटिव चार्ज यहां पे आ जाएगा। तो बैटरी ने क्या किया है, इस पॉजिटिव चार्ज को लो से हाई पे ट्रांसफर किया है। मान लेते हैं कि इन टाइम टी सेकेंड कि मेरा क्यू चार्ज लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल के पास चलेगा विद द हेल्प ऑफ बैटरी, कि मेरा क्यू चार्ज इस लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल के पास चला गया। तो इस केस में बैटरी ने कितना वर्क किया, सो लिख सकते हैं अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द बैटरी टू ब्रिंगिंग ए क्यू चार्ज फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। ओके, तो मान लेते हैं जो स्मॉल वर्क डन किया या अमाउंट ऑफ वर्क डन जो किया बैटरी ने, उसको हमने क्या लिख दिया W, और हम लोग जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज। तो हम लिख सकते हैं वर्क क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू में Q। अब ये जो वर्क डन किया बैटरी ने कितने टाइम में किया, टी सेकेंड में, कि मेरा टी सेकेंड में क्यू चार्ज लो से हाई चला गया। अब एक सेकेंड में कितना करेगा, सो अमाउंट ऑफ वर्क डन इन यूनिट टाइम वो किसके बराबर होगा, पावर के। ओके, तो पावर को हम क्या लिखेंगे, वर्क अपॉन में टोटल टाइम। तो हम लिख सकते हैं v इंटू में q अपॉन t, और q बाय t किसके बराबर होता है, आई के। तो मेरे पास एक फॉर्मूला आ चुका है p इक्वल टू वी आई, ये हमारा फॉर्मूला है। अगर मुझे वोल्टेज का वैल्यू पता है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू पता है, और I का वैल्यू पता है, करंट का वैल्यू पता है, तो हम लोग पावर लिख सकते हैं P इक्वल टू वी आई। ओके, नेक्स्ट केस हम क्या देख रहे हैं कि किसी भी रजिस्टर के अक्रॉस पावर क्या होती है। जैसे हम लोग पहले जान चुके हैं कि पावर क्या होता है, V इंटू में I। मान लो आपके पास कोई भी एक रजिस्टर है जिसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मान लो कितना हुआ है V, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहां पे कि यहां से कितना करंट पास हो रहा होगा, I। तो पावर को क्या लिखूंगा मैं कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होगा यहां पे, V इक्वल टू आई आर के। तो मैं लिख सकता हूं V का वैल्यू यहां पे क्या है, आई आर इंटू में आई। तो मेरे पास पावर क्या आ चुका है, आई स्क्वेयर आर। ओके, अभी हमने क्या लिखा है, पावर इन द फॉर्म ऑफ करंट। अगर मान लो मुझे यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस पता है, हम लोग करंट मान लो मेजर नहीं कर सकते किसी तरीके से, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहां पे कि आई क्या होगा यहां पे, वी अपॉन में आर। अगर मैं इस वी की वैल्यू लिखूंगा या आई की वैल्यू क्या लिखूंगा, वी अपॉन आर, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो हमारे पास पावर के तीन फॉर्मूले आ चुके हैं, पी स्क्वायर टू आई वी आई, एक P इक्वल टू वी स्क्वेयर आर, एक P इक्वल टू आई स्क्वेयर आर। इन तीनों के अपने अपने इंपॉर्टेंस है, कहां पे आप किसका यूज करोगे। एक सिंपली आपको याद रखना, अगर आपको वोल्टेज पता है करंट पता है तो आप इस फॉर्मूले को यूज कर लो। ओके, और ये दोनों फॉर्मूले आप यूज करो कंपैरिजन के टाइम, वो आपको समझ में आएगा बाय न्यूमेरिकल। तो आपको पावर के न्यूमेरिकल के लिए आपको तीन फॉर्मूले पता होना चाहिए, और आपको ये पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस हम लोग कैसे ऐड करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ओके, तो फर्स्ट वी स्टार्ट विद न्यूमेरिकल। उससे पहले आपको एक टर्म समझना पड़ेगा, पावर रेटिंग। कई बार आपको ना प्रॉब्लम्स में लिखा होगा पावर रेटिंग ऑफ एनी अप्लायंस या बल्ब, हम बल्ब का एग्जांपल ले रहे हैं। अब आपने देखा होगा हर एक बल्ब पे कई बार देखा होगा लिखा होता है 100 वाट एट 220 वोल्ट। इसका मतलब क्या है,
अगर आप किसी बल्ब को 220 वोल्ट दोगे तो उस टाइम पे उसकी पावर कितनी है, 100 वाट। अगर वोल्टेज कम कर दोगे तो पावर भी क्या हो जाएगी, कम। आपने कई बार ऑब्जर्व किया होगा जब कभी आपकी सप्लाई कम आती है तो जो ल्यूमिनेंस होता है, जो ब्राइटनेस होती है आपकी बल्ब की, कुछ कम होती है। तो इसका मतलब जब मैं वोल्टेज कम दूंगा, जब सप्लाई कम दूंगा, तो मेरा आउटपुट में भी कम आएगा कुछ ना कुछ। तो आपको समझना पड़ेगा कि 100 वाट एट 220 का मीनिंग क्या है। अगर आप 100 वाट के डिवाइस को 220 दोगे तो जब पावर 100 वाट के बराबर, अगर लिखा है कहीं पे कि 60 वाट एट 220, इसका मतलब अगर आप उस अप्लायंसेस को 220 वोल्ट दोगे तो वो 60 वाट का है। अगर कम दोगे तो उसका पावर भी क्या हो जाएगा, कम। आपको समझना होगा पहले पावर रेटिंग क्या है। ओके, आपको याद रखना है बात। अब न्यूमेरिकल में कैसे यूज करेंगे सब चीजों को पहले देखते हैं। मान लो आपको एक बहुत बेसिक क्वेश्चन गिवन है कि मान लो मेरे पास कोई एक बल्ब है 100 वाट एट 220 वोल्ट। अगर मान लो मैं इसको वोल्टेज दे दूं 110, तो बताओ पावर क्या होगा इसका। फाइंड द पावर इफ द सप्लाई रिड्यूस टू हाफ। इनिशियल सप्लाई क्या थी मेरे पास, 220 वोल्ट। फाइनल कितना हो गया, 110 वोल्ट। तो पहले क्वेश्चन भी देख लेते हैं। फाइंड द पावर ऑफ बल्ब इफ सप्लाई वोल्टेज बिकम्स हाफ। तो आपको बताना है अब इसकी पावर कितनी होगी। तो देखते हैं, देखो जो मेरे पास ये बल्ब है, जब ये बना होगा तो जो हमने यहां पे इलेक्ट्रोड यूज किया होगा, वो टंगस्टन का यूज किया होगा, उसका कुछ ना कुछ अपना डायमीटर होगा, कुछ ना कुछ लेंथ होगी, कुछ ना कुछ मटेरियल होगा, तो उसका रेजिस्टेंस फिक्स होगा इस केस में। तो यहां से जो रेजिस्टेंस आएगा, तो हम लोग देखो हमें यहां पावर पता है, वोल्टेज पता है। अब हम इस फॉर्मूले से लिख सकते हैं आर की क्या वैल्यू होगी। तो मेरे पास आर क्या आ जाएगा, यहां से आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन पी। तो वोल्टेज कितना है, 220 वोल्ट। पावर कितना है, 100। तो आर का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरे पास, 22 का स्क्वायर इंटू में 10 का स्क्वायर डिवाइड बाय 10 का स्क्वायर, इससे कैंसिल आउट हो गया। तो मेरे पास का रेजिस्टेंस क्या, 22 का स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हो 448 ओम। तो अब इसका जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस तो पहले से डिसाइड हो चुका है। रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ पे, क्रॉस सेक्शन एरिया पे, मटेरियल पे। ओके, बट नेक्स्ट केस में जब अगर इसको मैं वोल्टेज दूंगा 110, तो पावर हमें फाइंड आउट करना है। तो रेजिस्टेंस फिक्स हो चुका है, तो अब हमें पावर निकालना है। रेजिस्टेंस पता है हमको, वोल्टेज पता है, पावर पता करना है। तो पावर क्या लिखेंगे हम, वोल्टेज का स्क्वायर 110 का स्क्वायर डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कितना है मेरे पास, 22 का स्क्वायर। तो मेरे पास यहां से क्या आने वाला है, 11 का स्क्वायर इंटू में 10 का स्क्वायर डिवाइड बाय 22 का स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई करोगे तो यहां से मेरे पास क्या जाएगा, 1/4 इंटू में 100। तो फाइनली पावर कितना हो गया उस 100 वाट बल्ब का, 25 वाट। तो आप क्या देख रहे हो, पावर रिड्यूस हो चुका है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट अब और क्वेश्चन देखते हैं। सी मान लेते हैं कि आपके पास कोई तीन ये बल्ब है, एक का आपको पावर गिवन है 25 वोल्ट एट 220 वोल्ट, एक का आपको पावर गिवन है 50 वोल्ट एट 220 वोल्ट, एक का आपको पावर गिवन है 100 वोल्ट एट 220 वोल्ट। अब आपको बोला गया है अगर इन तीनों को मैं अरेंज कर दूं सीरीज में, तो बताओ किसका ब्राइटनेस ज्यादा होगा। अगर इन तीनों को मैं कनेक्ट कर दूं सीरीज में और इनके क्रॉस लगा दूं मैं 220 वोल्ट, कि मेरा सप्लाई कितना है 220, इसको मैं बोल रहा हूं B1, बल्ब B1 है आपका, ये B2 है और ये B3 है। तो ये B1, ये B2, ये B3। अब आपको बताना है अरेंज द बल्ब अकॉर्डिंग टू देयर ब्राइटनेस।
आपको इन बल्ब को अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू देयर ब्राइटनेस। तो हम लोग कैसे देखेंगे, देखो अब एक बात आप देख सकते हो, अगर मैं बी एक फॉर्मूला फॉर्म करूं यहां से कि भाई देखो हमने पढ़ा था पावर क्या होता है, वी स्क्वायर अपॉन आर, तो यहां से आर क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन पी। तो एक बात समझ गए, जिसकी पावर क्या होगी कम, उसका रेजिस्टेंस क्या होगा ज्यादा। तो आप देख सकते हो पावर कम किसकी है, 25 वाट की, तो रेजिस्टेंस ज्यादा किसका है, बी वन वाले का, फिर बी वाले का, और सबसे कम किसका है, बी थ्री वाले का। ओके, तो आपको ये बात याद रखना है पहले। और अगर ये सीरीज में है तो क्या चीज सेम है, आपका करंट। तो आपको अब यहां पे एक फॉर्मूला देखना है कि पी क्या होता है, आई स्क्वायर आर। अगर मैं लिखूं यहां पे कि पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, ये जब होगा जब करंट क्या हो सभी में, कांस्टेंट। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है तो करंट कांस्टेंट होगा, तो जो पावर कंज्यूम हुआ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा, रेजिस्टेंस के क्रॉस, और रेजिस्टेंस ज्यादा किसका है, बी वन वाले का। तो बी वन के क्रॉस पावर क्या होगी, ज्यादा, फिर बी टू के क्रॉस, फिर बी थ्री के क्रॉस। तो आप इन्हें अरेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द ब्राइटनेस। तो पावर अक्रॉस बी वन इज मोर देन पावर अक्रॉस बी टू देन पावर अक्रॉस बी थ्री।